दिल्ली के अंदर गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दी हमने, सारे सरकारी अस्पताल एयर कंडीशन्ड बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया दिल्ली में। अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे 5 रुपए की क्रोसिन लेनी हो, टेबलेट लेनी हो, या 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त है। भगवान ना करे आपके घर कोई बीमार हो, लेकिन अगर बीमार हो जाए दिल्ली में कोई, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, सारा खर्चा, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा ऑपरेशन सब मुफ्त होता है। दिल्ली में कर दिया मान साहब ने, अब 500 मोहल्ला क्लिनिक, अभी एक साल भी नहीं हुआ, दिल्ली में मेरे को 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 5 साल लग गए। भगवंत मान ने एक साल में 500 क्लिनिक, मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मध्य प्रदेश वालों, एक मौका दे के देख लो, आपका सबका इलाज मुफ्त कर दूंगा, सारे मध्य प्रदेश के लोगों का। शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, शानदार अस्पताल बनाएंगे, सबका इलाज मुफ्त कर देंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पंजाब के अंदर अभी कई फसलों पे इन्होंने एमएसपी देना चालू कर दिया। एमएसपी का आंदोलन छेड़ा था ना अभी किसानों ने, भाई एमएसपी दो, एमएसपी दो, पंजाब में शुरुआत हो गई है। कई फसलों पे अब एक एक फसल जोड़ते जा रहे हैं, एमएसपी देते जा रहे हैं, एमएसपी देते जा रहे हैं। मुआवजा, फसल अगर बर्बाद हो जाए, किसानों को मुआवजा मिलने लग गया, दिल्ली में भी मिलने लग गया, पंजाब में भी मिलने लग गया, मध्य प्रदेश में मौका मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी मुआवजा मिलेगा। दिल्ली में मैंने 12 लाख, 5 साल में 12 लाख बच्चों को नौकरियां दिलवाई हैं, 12 लाख युवाओं को। पंजाब में एक साल में 27,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। और मैं भी हमारे पंकज सिंह जी से बात कर रहा था, ये बता रहे थे कि कई सारे बेरोजगार अपना धरना लेके आंदोलन करने के लिए जब यहां आए, तो उनके ऊपर पुलिस ने डंडे बरसा दिए। अरे अपने ही तो लोग हैं यार, कोई पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं, अपने ही तो बच्चे हैं, रोजगार मांगने आए हैं, डंडे क्यों बरसाते हो? रोजगार नहीं दे सकते तो उनको गले तो लगा लो, कम से कम प्यार से बिठा के चाय तो पिला लो, रोटी तो खिला दो उनको, डंडे क्यों बरसाते हो उनके ऊपर? हमको नौकरी देनी आती है, हमारी नीयत साफ है। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, मध्य प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है, एक मौका देके देख लो, आपको सबके लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगा मैं।